नवनीत भैया, ये सब भाग जाएंगे तुरंत में, देखेंगे जो भागने वाले लोग हैं उनकी भी चिंता है। पटना में रामनवमी की धूम नजर आए लोगों में सांस्कृतिक, और हर लोगों से आग्रह किया जाता है कि अपने अपने घरों में महावीर ध्वज मिलता है पटना के। हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग राम चौक या कहें या डाकबंगला चौक के रूप में जिस प्रकार से जन सैलाब देखने को मिलता है, इस बार भी रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति उसकी पूरी तैयारी शुरू कर दी है और पिछले डेढ़ महीने से उसकी तैयारी चल रही थी। और आज प्रेस वार्ता के माध्यम से जहां इस पूरे कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा आपके करने के बीच ये बैठे हैं, इस वर्ष भी करीब 51 यात्राएं निकल रही हैं पटना के विभिन्न क्षेत्रों से। हर साल यात्राओं में अलग अलग स्थानों के झांकियां को देखने का मौका मिलता है। कहीं कलकत्ता से कलाकार आते हैं, कभी बनारस से, कभी देवघर से, तो विभिन्न शोभा यात्राओं ने अलग अलग झांकियों को भी चिन्हित करके उसकी तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ में रामगढ़ से नागपुर का बैंड, बनारस से बैंड, अलग अलग बैंड का भी प्रयोग हमारे जो शोभा यात्रा कमेटी के लोग हैं वो अलग अलग बैंड के माध्यम से भी और झांकियों के माध्यम से इस वर्ष डाकबंगला चौराहे पर पहुँचेंगे और महावीर मंदिर दर्शन करने जाएंगे। पूरे यात्रा में 51 स्थानों से जो निकल रही है उस सभी जगह पूरे नगर सज्जा का भी काम लिया गया है। करीब 1,00,000 छोटे ध्वज, राम ध्वज जिसको महावीर ध्वज कहते हैं, उसके अलावा करीब 5,000 बड़े ध्वज जो शहरों के विभिन्न पोल पर लगाए जाएंगे, और उसी के साथ साथ करीब और बड़े ध्वज जो पोल पे बांस से लगाए जाते हैं वैसे 1,000 ध्वज अलग से पूरे पटना में लगाए जाएंगे। यानी पूरा पटना भगवामय होगा और राम जी की जो यात्राएं शोभा यात्रा निकलती है उसमें झांकियों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जो हम लोग डाकबंगला चौराहे पर स्वागत कमेटी जो है उसके द्वारा भी वहां पर डाकबंगला को विशेष रोशनी से सजाने का प्रयास है। इसके लिए कलकत्ता के चंदन नगर से जो विशेष लाइट आती है उस लाइट के भी विभिन्न तोरण द्वार बनाए जाएंगे। करीब कितने तोरण द्वार हैं? 20 तोरण द्वार बनाए जा रहे हैं। तो फिर इस वर्ष भी रामनवमी की जो यात्राएं हैं उसमें देखने को मौका मिलेगा। साथ ही साथ 22 तारीख को जो हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है उस दिन पटना के 51 विभिन्न सेवा बस्तियों में पहला महावीर ध्वज लगाया जाएगा और साथ ही साथ उसी दिन राम रथ को रवाना किया जाएगा जो पटना में जागरूकता की दृष्टि से विभिन्न मोहल्लों में घूमेगा। इन सारे कार्यक्रमों के आयोजन में जहाँ मुख्य आयोजन के एक दिन पूर्व भजन संध्या का जो आयोजन हर साल हम लोग करते हैं उसका भी आयोजन किया जाएगा। उसमें भी कलाकारों को विशेष रूप से लाने की प्रयास किया जा रहा है और साथ ही साथ जो मुख्य दिन जिस दिन 30 मार्च को जो रामनवमी की यात्रा निकलने का मुख्य दिन है उस दिन भी सभी यात्राओं के स्वागत के लिए विशेष रूप से राज्य के सभी प्रमुख विशिष्ट जन लोग रहेंगे और उसकी भी निमंत्रण देने का काम शुरू हो गया है। चाहे केंद्रीय मंत्री से लेकर राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, हर साल इस कार्यक्रम में उपस्थिति उनकी रहती है। इस वर्ष भी हम सभी को आमंत्रण और निमंत्रण देने जा रहे हैं। तो पूरा प्रयास है कि पटना का रामनवमी अपने आप में एक अलग स्थान इस देश में बनाए। जिस प्रकार से हम लोगों ने जो सपना देखा था 2010 में जब शुरू किया था, 8 यात्राओं से ये सफ़र शुरू हुआ था और आज 51 यात्राएँ निकल रही हैं। साथ ही साथ हम लोग का जो सपना था कि पटना का रामनवमी की धूम पूरे देश में सुनाई पड़े, जिस प्रकार से महाराष्ट्र की गणेश चतुर्थी हम लोग सुनते हैं तो उसी प्रकार से पटना का रामनवमी भी वो स्थान पाए, इसके लिए रामनवमी कमेटी की पूरी टीम लगी रही है। और हम लोगों ने हिंदू नववर्ष के कैलेंडर भी पूरी पूजा कमेटियों, करीब 51,000 कैलेंडर विभिन्न पूजा कमेटियों के माध्यम से आम जनमानस तक पहुँचता है। तो ये पूरा वातावरण राममय बने और पूरे पटना में रामनवमी की धूम नजर आए लोगों में सांस्कृतिक, और हर लोगों से आग्रह किया जाता है कि अपने अपने घरों में महावीर ध्वज लगाएं। तो वो सारी चीज़ें की तैयारी चल रही है और हमें उम्मीद है कि पटनावासियों को फिर से इस बार रामनवमी के दिन एक विशेष आयोजन देखने को मिलेगा। हम आम जनमानस से भी आग्रह करेंगे कि पटना के डाकबंगला चौराहे पे शाम 6 बजे आइए और आपको इस विभिन्न झांकियों का लुत्फ उठाइए।
हैं।